हेलो एवरीवन। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक लग्जरियस अपार्टमेंट होने वाला है जो कि 3 BHK अपार्टमेंट में आपको दिखाऊंगा। और देखिए अगर बात की जाए इस अपार्टमेंट की तो ये G+5 का एक बढ़िया खूबसूरत अपार्टमेंट होने वाला है। मैं एलिवेशन भी आपको इसका दिखाऊंगा, पार्किंग भी आपको उसकी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि G+5 की जो बिल्डिंग होने वाली है, यहाँ पर टोटल फ्लैट्स की अगर बात की जाए तो टोटल फ्लैट्स यहाँ पर होने वाले हैं 30, यानी कि 30। एक फ्लोर पर यहाँ पर 5 फ्लैट टोटल दिए गए हैं। पार्किंग यहाँ पर जो है कवर्ड पार्किंग दी गई है, कॉमन पार्किंग है, जहाँ पर आप लोग आराम से 30 से 40 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। इतना बढ़िया स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। और साथ ही जो लोकेशन होने वाली है बाईपास के बहुत नज़दीक है। बाईपास कौन सा वाला? जो कालवा रोड वाला बाईपास है, वहाँ से 200 फुट बाईपास है, वहाँ से बहुत नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही प्रॉपर्टी है। कनकपुरा फाटक यहाँ से बहुत नज़दीक होने वाला है। अगर बात की जाए यहाँ से वैशाली नगर की तो सीधे यहाँ से जो है वैशाली नगर के रास्ता निकलता है, जो कि आपको हार्डली 5 मिनट के ड्राइव पर यहाँ से सीधे आप वैशाली पहुँच सकते हैं। और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ बहुत नियर बाई आपको मिल जाती है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 206 बीघा की तो वो भी यहाँ से बहुत नज़दीक होने वाला है, यानी कि मिड में ये प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम लोग सारे फ्लैट को टूर करें, उससे पहले हम लोग पहले इसका फ्रंट एलिवेशन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन। ये हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली इसके बढ़िया फ्रंट एलिवेशन की ओर। और जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं एक वाइल्ड सा रोड आपको देखने को मिलता है। G+5 की ये बड़ी बिल्डिंग होने वाली है जो कि रियासत हाइट्स के नाम से है। बाहर के साइड में आपको गार्ड रूम देखने को मिलेगा, 24/7 यहाँ पर आपको जो है गार्ड साहब अवेलेबल रहेंगे। तो 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ से जैसे आगे के साइड में हम लोग चलते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया कवर्ड पार्किंग आपको मिलेगी, जो कि इस तरफ आपको देखने को मिलेगी। अभी छोटा मोटा काम है वो चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से आपको बढ़िया पार्किंग का स्पेस देखने को मिलता है। बढ़िया खूबसूरत पार्किंग आपको दी गई है, गार्ड रूम यहाँ पर आपको मिल जाता है, साथ ही लोकेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है ये। और जो अपने कालवा रोड 200 फीट बाईपास है वहाँ से ये प्रॉपर्टी ये जो होने वाली है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये सामने यहाँ पर इनका ऑफिस बना हुआ है जो कि बाद में यहाँ पर इसका बन जाएगा, सिक्योरिटी ऑफिस बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर इसके हिसाब से। यहाँ पर पूरा इस तरफ अगर आप देखेंगे तो स्टेयर्स का पार्ट है, साथ ही यहाँ पर आपको दिया गया है उसका लिफ्ट का प्रोविजन भी। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टली फ्लैट की ओर, तो आ जाइए फ्लैट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखा आपने इसका फ्रंट एलिवेशन, साथ ही देखिए इसके पार्किंग का स्पेस। अब मैं आपको वापस से लेकर के आ गया हूँ उस फ्लैट की ओर। देखिए इस बिल्डिंग के अंदर आपको 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट मिल जाते हैं। और अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो 4100 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पर होने वाला है। अभी हम लोग खड़े हैं 3 BHK के हॉल में, जहाँ पर एक बड़ा आपको हॉल देखने को मिलता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया हॉल आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर लिविंग एरिया बहुत प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया है। और अगर बात करूँ यहाँ पर इस वाले फ्लैट के साइज की तो 1417 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है। अलग अलग साइजेस में यहाँ पर आपको फ्लैट मिलते हैं 2 BHK एंड 3 BHK। अब आपका जो बजट है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। लिविंग एरिया बहुत ही प्यारे साइज में है, जहाँ पर एल शेप में आपको सोफा मिल जाता है, सेंटर टेबल मिल जाती है, साथ ही ऊपर आप देखेंगे तो बढ़िया फुल सीलिंग का वर्क आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बढ़िया लाइटिंग का कॉम्बिनेशन है। और जस्ट सामने की तरफ ही इस तरफ आप देखिए बढ़िया LED पैनल, जहाँ पर बड़ा LED लगा हुआ आपको देखने को मिलता है। AC यहाँ पर ऑलरेडी फिटेड है। और जो मैंने प्राइस आपको बताया 4100 रुपये स्क्वायर फीट, ये सेमी फर्निश्ड का है। अगर आप चाह रहे हैं फुल फर्निश्ड लेना 3 BHK तो उसमें 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और अगर 2 BHK परचेज करते हैं तो 2 BHK में 4 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो फुली फर्निश्ड भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे ये एंटर करते हैं इस फ्लैट के अंदर, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए शू रैक दिया गया है, और साथ ही बैठने के लिए बहुत प्यारा सा स्पेस मिल जाता है। स्टेयर्स का पार्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, जहाँ से आप स्टेयर्स से, और साथ ही यहाँ पर लिफ्ट का प्रोविजन भी आपको दिया गया है। बढ़िया लोबी है, लोबी का स्पेस आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा स्पेशियस सा ये फ्लैट मैं आज आपको टूर कराऊंगा। प्राइस बता ही चुका हूँ, प्राइस होने वाला है 4100 रुपये स्क्वायर फीट। और साइज जो होने वाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1417 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया आपको डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर 4 सीटर डाइनिंग एरिया, 5 सीटर डाइनिंग एरिया आपको दिया गया है। इसे आप 6 सीटर भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक जो है चेयर और लग जाएगी। इस तरफ आप देखेंगे तो जस्ट इसके सामने आपको बढ़िया किचन मिल जाती है। किचन का साइज काफी अच्छा स्पेशियस साइज आपको दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर आपका फ्रिज इजिली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। फुली मॉड्यूलर किचन है, सामने की साइड में बढ़िया वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन आपको दिया गया है, बढ़िया विंडो है, ऊपर की साइड में प्रॉपर कैबिनेट है। जस्ट ऊपर देखेंगे तो वहां पर भी फुल सीलिंग का वर्क आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं एमिनिटीज की तो रूफ टॉप पे यहाँ पर आपको गार्डन एरिया मिल जाता है, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर आपको दी गई है। और इसके अलावा योगा डेस्क आपको मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पर किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, जिमनेजियम मिल जाता है। रूफ टॉप पे ही आपको ये सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे तो देखेंगे इसके पहले बेडरूम को, बहुत ही बढ़िया साइज में आपको पहला बेडरूम देखने को मिलता है। सामने की तरफ आपको बढ़िया है बेड के हेड पे कुशन वर्क है, वॉलपेपर है, उस तरफ आपको देखने को मिलता है बढ़िया सा AC का सेपरेट पॉइंट। जस्ट ऊपर देखेंगे वहां पर फुल सीलिंग का वर्क आपको देखने को मिलता है, फुल सीलिंग बिल्कुल डिफरेंट और बहुत प्यारी है।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बढ़िया सा बॉर्डर, साइज काफी स्पेशियस है और स्लाइडेबल बॉर्डर है। अगर आप जब आएंगे, जब इस बोर्ड को देखेंगे ना, सच में सारी चीजें काफी प्रीमियम यहाँ पर यूज की गई है। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा बढ़िया सा ड्रेसिंग एरिया, साथ ही साइड में एलईडी पैनल है, आपकी बुक्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको दिया गया है। अटैच वॉशरूम देख लीजिए कैसा होने वाला है, स्पेशियस साइज में है। यहाँ पर आ जाती है इसके पीछे बालकनी, बालकनी का साइज भी काफी बढ़िया अच्छा खासा आपको साइज मिल जाता है। और ऊपर आप देख रहे हैं लाइटिंग का कॉम्बिनेशन है, साथ ही एसी का आउटर पॉइंट के लिए आपको सारे पॉइंट्स छोड़े गए हैं। मैं आपको प्राइस बता चुका हूँ, प्राइस होने वाला है 4100 रुपए स्क्वायर फीट का, जो कि होने वाला है सेमी फर्निश्ड का। आइए आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है बढ़िया सा वॉश मशीन का एरिया, जहां पर आप हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे और साथ ही मिरर यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिलेगा। एक बालकनी आप पहले देख चुके, एक बालकनी आपको इस तरफ दी गई है, ये भी बढ़िया खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका सेकंड बेडरूम साइज, यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, स्पेशियस साइज है, बढ़िया साइज है। बेड के हेड पे फिर से बढ़िया सा कुशन वर्क है, वॉलपेपर है, ऊपर आप देखेंगे तो बढ़िया फुल सीलिंग का वर्क है कॉप लाइट और कंसील लाइट के साथ में। इस तरफ एक तरफ आपको एलईडी पैनल है, जहां पर बड़े से बड़ा एलईडी से आप इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। और यहां पर आपको देखने को मिलता है इसका बड़ा विंडो। अगर मैं बात करूं इस रूम के साथ में और क्या मिलेगा, तो यहां पर अटैच वॉशरूम दिया गया है, जो कि इस तरफ देखने को मिलता है। ये है अटैच वॉशरूम वेस्टर्न शीट के साथ में, और फिटिंग जितनी भी है वो सारा की है, ब्रांडेड है। यहाँ पर वाटर मिल जाती है, आपका ड्रेसेस वगैरह आप इजिली रख पाएंगे। यहां से आगे की ओर चलेंगे हम लोग और देखेंगे इसके थर्ड बेडरूम को। और अगर बात करूं यहाँ पर इस अपार्टमेंट के नेम की, तो रियासत हाइट्स के नाम से ये अपार्टमेंट होने वाला है, जो कि लग्जरियस अपार्टमेंट है, 2 BHK एंड 3 BHK का। सामने की साइड में बैठ के फिर से बढ़िया क्वेश्चन वर्क, वॉलपेपर, लाइटिंग का बहुत प्यारा सा काम करके दिया गया है। एक तरफ ड्रेसिंग एरिया, एक तरफ आपको वार्डरोब है। आपको मैं 2 बालकनीज पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूं, अभी तीसरी बालकनी आप लोग देखेंगे, जो कि इस तरफ आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए। और इस तरीके से आप भी अपना एसी आउटर यहां पर लगा सकते हैं। यहां पर यूपीवीसी विंडोज मिल जाती है, जहां पर टफन ग्लास बीच में लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया साइज है। और अटैच वॉशरूम भी यहां पर आपको दिया गया है। प्राइस मैं आपको बता दूं, प्राइस 4100 रुपए स्क्वायर फीट होने वाला है, जो कि 3 BHK का साइज मैं आपको बता चुका हूँ, 1417 स्क्वायर फीट में है। और अलग अलग साइज में यहाँ पर जो है अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, 2 BHK एंड 3 BHK। सामने आपको बढ़िया वार्डरोब ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है। प्राइस काफी अच्छा होने वाला है। अगर आसपास के लोकेशन या लोकेलिटी वाइज आप देखेंगे, बढ़िया फ्लैट है, बढ़िया पार्किंग का स्पेस आपने देख लिया, कितना बढ़िया पार्किंग का स्पेस आपको दिया गया है। और साथ ही मैं अगर बात करूं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, तो कंस्ट्रक्शन भी काफी अच्छा होने वाला है, लोकेलिटी भी काफी अच्छी है, और साथ ही आसपास में आपको स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। पास में आपको देखिए यहाँ से पास में डीमार्ट है, जो कि आप सीधे यहाँ से अगर करदनी की तरफ जाएंगे तो यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे करदनी के पास में आपको मिल जाता है डीमार्ट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और भी चीजों की, जैसे कि बात की जाए डोमिनोज वगैरह, तो यहाँ से बहुत नियरेस्ट आपको डोमिनोज भी मिल जाता है। गार्डन जो भी मैरिज गार्डन है वो नियर बाय आपको मिल जाते हैं। अगर बात करूँ वैशाली नगर की, तो जयपुर शहर की सबसे अच्छी लोकेशन, प्राइम लोकेशन कहा जाता है, वो यहाँ से 5 मिनट के ड्राइव पर है। यहाँ से कनकपुरा फाटक जो है वो बहुत नियरेस्ट होने वाला है। ये जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ये बाईपास के नजदीक है, जो कि 200 फीट का जो बाईपास जा रहा है कालवाड़ रोड वाला, उस बाईपास के नियरेस्ट है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर होने वाली है। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करना, तो कॉल कर लीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। JDA अप्रूव्ड, ये मैंने आज आपको प्रोजेक्ट दिखाया, जो कि रेरा अप्रूव्ड भी है, साथ ही एज पर JDA नॉर्म्स के हिसाब से बना हुआ है। इसमें आपको बढ़िया तो लिफ्ट मिल जाती है, बढ़िया आपको मिल जाती है स्टेयर्स का पार्ट। एक फ्लोर पर 5 फ्लैट होने वाले हैं और टोटल बिल्डिंग में अंदर जो है 30 फ्लैट है। अगर पार्किंग की बात की जाए, तो पार्किंग सफिशिएंट है, 30 से 40 पार्किंग का स्पेस यहां पर आपको दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।